मतगणना के चलते आवागमन के लिए निर्धारित किया गया रूट चार्ट स्ट्रांग रूम से 500 मीटर दूरी से सभी वाहन रहेंगे प्रतिबंधित। प्रदेश भर में आगामी 3 दिसंबर को होने जा रही मतगणना के लिए प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। मतगणना स्थल से 500 मीटर की दूरी से दोपहिया और चार पहिया वाहनों के आवागमन में पूर्णतः रोक लगा दी गई है। आम जनमानस इस व्यवस्था से प्रभावित न हो इसके लिए जिला प्रशासन ने मतगणना से 24 घंटे पूर्व एडवाइजरी जारी कर दी है, जिससे मतगणना वाले दिन आवागमन करने वाले वाहन चालकों को असुविधा का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि रीवा के 6 और नवनिर्मित जिला मऊगंज की 2 कुल 8 विधानसभा में हुए मतदान के बाद पोस्टल बैलेट सहित ईवीएम और वीवीपैट को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में भारी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जिसकी गणना कल 3 दिसंबर को की जाएगी। प्रशासन द्वारा जारी किए गए रूट चार्ट के मुताबिक रीवा से सिरमौर चौराहे की ओर जाने वाला वाहन नीम चौराहा होते हुए टौरा बाईपास से जाएंगे, वहीं सिरमौर से रीवा की ओर आने वाले वाहन बाईपास से रतेरा होते हुए शहर में प्रवेश कर सकेंगे, जबकि कैलाशपुरी गायत्री नगर निराला नगर के स्थानीय रहवासी शिवनगर मार्ग का प्रयोग करते हुए सिरमौर चौराहा की ओर जा सकेंगे। इसके अलावा एजेंट और प्रत्याशियों के वाहन पार्किंग के लिए मार्टन स्कूल स्थल चयनित किया गया है, जहां सभी वाहनों को पार्क किया जाएगा। 3 तारीख को जो विधानसभा चुनाव की मतगणना इंजीनियरिंग कॉलेज में निर्धारित की है, उसके लिए सुबह 6 बजे से जब तक मतगणना समाप्त नहीं हो जाती है तब तक इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने वाला जो रास्ता है जो सिरमौर चौराहे से इटौरा सिमरिया जाता है, सॉरी सिरमौर जाता है, उस रास्ते को स्टेडियम चौराहे से हम बंद करेंगे। और दूसरा कट ऑफ पॉइंट होगा शिवनगर मोड़ यानी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने वाला, इस बीच के रास्ते को पूरा पैक रखेंगे, यहाँ पर केवल पैदल लोग चल सकेंगे जिनको अनुमति होगी या जो कार्डधारी होंगे। इसके अलावा जिनको सिरमौर जाना है वो लोग नीम चौराहे होके अजगहरा वाले रूट से बाईपास पर पहुँचेंगे और इटौरा होके सिरमौर के लिए जा पाएंगे। इसी तरह जब सिरमौर से जो आने वाली गाड़ियाँ हैं बड़ी या छोटी गाड़ियाँ उनको रतेरा होकर या अजगरा वाले रोड से होकर आने की अनुमति होगी, इटौरा से डाइवर्सन लगेगा बड़ी गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियाँ अंदर आ पाएंगी, जो निराला नगर या शिवनगर होके शहर के अंदर प्रवेश कर पाएंगी, शिवनगर से मैक्सिमम गाड़ियाँ समान बस स्टैंड की तरफ जा पाएंगी जहाँ से वो शहर में प्रवेश कर जाएंगी छोटी गाड़ियाँ। पार्किंग की क्या व्यवस्था बनाई गई? पार्किंग के लिए 2 स्लॉट हैं, एक मॉडल स्कूल जो स्टेडियम किराए पर है वहाँ पर, और दूसरा न्यायालय परिसर में इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने जो नवीन न्यायालय परिसर है वहाँ पर अनुमति प्राप्त है हमें वाहन खड़ी करने के लिए। तो इसमें जो प्रत्याशी हैं और एजेंट्स हैं उनकी गाड़ियाँ हम खड़ी करवाएंगे मॉडल स्कूल ग्राउंड में स्टेडियम किराए के पास, और जो कर्मचारी हैं अधिकारी हैं मीडिया कर्मी हैं इन लोगों की गाड़ियाँ न्यायालय परिसर में परमिटेड है जो वहाँ तक आएंगी, उसके बाद पैदल सभी लोग अंदर जाएंगे।